और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। शिवकाशी शहर में एक गोदाम में भीषण आग लग गई और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के विरुधुनगर के शिवकाशी शहर की। बुधवार शाम शिवकाशी शहर के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी लगते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। बागपत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से एक परिवार का आशियाना उजड़ गया। ये तस्वीरें हैं यूपी के बागपत के पुराने कस्बे की, जहां एक सकरी गली से ट्रक निकालने की कोशिश ड्राइवर को महंगी पड़ गई। ट्रक की टक्कर के कारण एक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दीवारों में दरार पड़ गई और मकान की छत दीवारों से अलग हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त परिवार के कई सदस्य घर में ही मौजूद थे। अचानक मलबा गिरने से परिवार के सदस्य घर में ही फंसे रह गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में 20 साल के युवक के अपहरण के मामले को पुलिस ने 12 घंटे में सुलझा लिया और युवक को सकुशल बचा लिया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में किडनैप किए गए बिल्डर संजय शेलके के 20 साल के बेटे को पुलिस ने सकुशल बचा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। किडनैपर्स ने बीच रास्ते में कार रोककर युवक का अपहरण किया था। इसके बाद उसके पिता संजय शेलके से 40 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी और लोकेशन ट्रेस कर युवक को सकुशल उनके चंगुल से बचा लिया। बिहार से खबर, जहां पर चलती ट्रेन में एक यात्री को हार्ट अटैक आने के बाद टीटी की तत्परता से मरीज की जान बचा ली गई। आप देखिए पूरी खबर। सोमवार रात दरभंगा से लोकमान्य तिलक जा रही पवन एक्सप्रेस छपरा पहुंचने वाली थी। इसी दौरान S1 कोच में सवार यात्री अचानक बेहोश हो गए। तुरंत डॉक्टर से फोन पर बात की गई तो डॉक्टर ने CPR देने की सलाह दी। इसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे TTE सविंद कुमार आगे आए और करीब 15 मिनट तक मरीज को CPR देते रहे। थोड़ी देर बाद TTE की मेहनत रंग लाई और मरीज को होश आ गया। इसके बाद मरीज को छपरा स्टेशन पर उतार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी लगते ही मंडल रेल प्रबंधन ने TTE को बुलाकर सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां एक मालगाड़ी के इंजन पर पथराव की घटना सामने आई है। इस घटना में मालगाड़ी का लोको पायलट गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा से आयरन भरकर भिलाई जा रही मालगाड़ी पर कुसुमकसा के पास अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान सिर में पत्थर लगने से लोको पायलट थानेश्वर सिंह देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रेन को बालोद स्टेशन पर रोक दिया गया और घायल लोको पायलट को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही RPF की टीम ने अस्पताल पहुंचकर घायल लोको पायलट का बयान लिया। RPF की टीम ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।